आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ इतने टैक्टिक्स आने चाहिए कि आप उन लोगों को हैंडल कर सके। बहुत ज्यादा एनी गिवन डे, बिकॉज आई हैव स्टेड इन बॉम्बे ऑल्सो, और बॉम्बे में मैं रात को 2 बजे भी ऑटो लेकर आती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट बहुत ज्यादा एनी गिवन डे, बिकॉज आई हैव स्टेड इन बॉम्बे ऑल्सो, और बॉम्बे में मैं रात को 2 बजे भी ऑटो लेकर आती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट दिल्ली यू कांट इवन थिंक ऑफ मूविंग आउट आफ्टर 9 o'clock इन द नाइट। आजकल गर्ल्स बहुत ही बोल्ड होने लगी हैं, इसलिए मुझे लगता है अब क्राइम धीरे धीरे लड़कों को खुद ही शर्म आने लग जाएंगी जब लड़कियाँ उनकी बहुत ही बुरी तरह बेइज्जती करेंगी। ये दिल्ली के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हम मेरे वर्ल्ड वाइड फ्रेंड्स हैं और सारे लोगों को दिल्ली के बारे में आजकल यही न्यूज़ मिल रही है कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। लोग, अगर मैं लोगों से पूछती हूँ कि तुमने कभी क्या दिल्ली के बारे में या इंडिया के बारे में कोई न्यूज़ सुनी है, तो मुझे यही जवाब मिलता है कि हाँ, हमने ये लेटेस्ट न्यूज़ यही सुनी है कि यहाँ पर रेप हुआ है। और गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इसमें रोल है कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गर्ल्स जितना भी बोल्ड होने की कोशिश करें पर गवर्नमेंट जब तक साथ नहीं देगी। लड़के आजकल बहुत ही बेशर्म और बदतमीज हो चुके हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा सबक दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को। जो रेप केस के जो लोग अंदर हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए टू सेट एन एग्जांपल फॉर द अदर्स टू कम। जाती है, देखती है और कहती है हम तुम्हें पूरा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुमने तो उन्हें ज्यादा फोर्स करते कि हाँ तुम भैया सपोर्ट करते कि तुम हमें कंप्लेन करो, बट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग, नोबडी प्रोटेक्ट्स देम। जब गैंगरेप हो रहा होता है, गैंगरेप होने के बाद उन्हें थोड़ा कंडोलेंस दे दें कि ओके हो गया, ठीक है हम थोड़ा तुम्हें देख लेंगे, बट जब हो रहा है उसको तब रोकने वाला कोई नहीं है। सी बेसिकली गर्ल्स शुड बी मोर कॉन्शियस, क्योंकि उनको पता होना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है। अगर अनलेस उनको पता हो तो उनके साथ पूरा होता रहेगा, तो दे हैव टू बी कॉन्शियस, दे हैव टू रेज देयर वॉइस, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, दे जस्ट कीप ऑन सेइंग, बट कुछ होता नहीं अल्टीमेटली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। शर्म है वो लोग, और ये जो सब वो कर रहे हैं, चाहे वो 5 साल की हो, 2 साल की हो, 18 साल की हो, ये जो अपनी मैस्कुलिनिटी है, ये जो मर्द कहते हैं ना, इस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है ये जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ये अपने सपनों में ही करें तो ठीक है, क्योंकि इनकी ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी। अब अगली बार बेस्ट यही होगा कि साथ में तलवार रखें लड़कियाँ या गोलियाँ रखें और एकदम उन्हें मतलब जैसे दिखें तो एकदम काट दें और मार दें। लगता कि दिल्ली में लड़कियां सेफ है, आई थिंक छेड़छाड़ अभी भी चल रही है, चाहे वो बसेस हो चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, लड़के अभी भी बाइक पे भी जाते हैं तो टोन मार के जाते हैं, तो सेफ अभी भी नहीं है दिल्ली। सिक्योरिटी के लिए क्या मैसेज, यही कि थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा वो रखना चाहिए कि हाँ जहाँ भी छेड़छाड़ हो रही है या जो लड़कियां कंप्लेन करती है तो उसका एक्शन लिया जाए। हाँ, हमको काफ़ी डर लगता है दिल्ली में, अब चलना क्या हम सोच भी नहीं सकते, रात को क्या दिन में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक 5 साल की लड़की को तक उन्होंने नहीं छोड़ा, ये कहते हैं कि हमें अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए और हमको ढंग से चलना चाहिए, बट 5 साल की बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जो उसका रेप कर दिया गया, एंड गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इनके अगेंस्ट। दामनी वाले क्रिमिनल्स दे आर फ्री, दे आर इन जेल, बट वो फ्री हैं एकदम, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनसे ना और हिम्मत मिल रही है दूसरे रेपिस्ट को रेप करने की, उनको कोई सीख नहीं मिली है, उनको जब तक कोई सख्त पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तब तक उनको डर नहीं लगेगा। हम जब मेट्रो में चलते हैं कोई भी आता जाता कहीं पर भी किसी भी लड़की को छेड़ जाता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके घर में भी कोई माँ है, बहन है, बेटी है, बस वो छेड़ जाता है क्योंकि उसको मजा मिलता है और उसकी और ताकत बढ़ती है जब दूसरे लोग उसको बढ़ावा देते हैं, हम पे जोर लगा के, इल्जाम लगा के कि हमने ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे, हम कुछ मतलब कि हम लड़कियां ऐसे करती है, हम लड़कियां वैसे करती है। लड़कियों के लिए
लिए सिक्योरिटी तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हर टाइप पे सिक्योरिटी चाहिए, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो खुद पे बोल्ट बने।